हम जैसे शादी में हमको तो फूटी हुई रोटी दे रहा है रे बाबा, हमारा दिल में बहुत दुख हो गया है। कौन सा दुख हो गया है? दिक्कत यही है कि हम मठ पर नहीं आएंगे बाबा। अरे रामचला, तू मठ पर क्यों नहीं आएगा? घर वाला लोग नाराज हो गया है, भैंस भी आई हुई है, घास कौन करेगा, खेती गृहस्थी के काम कौन करेगा, झाड़ू बहाड़ू दूर दरवाजा का कौन करेगा, इसीलिए जवाब देने आए हैं। मठिया का काम हमसे नहीं होगा बाबा, अपना का दूसर चेला का व्यवस्था करने के लिए। अरे नाम चला, इस मठिया का तुम सेवा करो तो भगवान खुश होकर तुम्हें मेवा देंगे। सेवा करेंगे गुरु को तो मेवा फलेगा, मेवा ना जो पटहर जो फलेगा। हमें तो जब तम हो ना यही जगह पटका पट्टी हो बाबा। हम जवाब से कर जा रहे हैं, आप जाते हैं बद्री आश्रम, जब भी मठ पर आते हैं तो अपना तासला मनवाते हैं, काठरा मनवाते हैं, बाल्टीन मनवाते हैं, मठिया को झाड़ू बहाड़ू करना पड़ता है, हमारा अपना लोग सुताते हैं। अरे तुम हमारे चेला हो तो तुम हमारे साथ सो जाओगे तो क्या हो जाएगा? अरे मैं तुम्हारे देह पर इसलिए हाथ घुमाता हूँ कि मैं पता करता हूँ तुम्हें नींद लगा है या नहीं। नींद पर जाई साधु नहीं देता नहीं है, बस साधु नासिक है। आप जाते हैं बद्री आश्रम, देवघर बद्रीनाथ धाम, सीतामढ़ी रहेगा 14 दिन 15 दिन। आप इतना इतना जगह जाते कहीं आप हमको ले चलते हैं? तुम हमारे साथ चेला बन करो, मैं तुझे वहां ले चलूंगा। तो चेला बनाना है तो सही सलामत आपका पास में जादू मंत्र है, विद्या है, वो सब दीजिए, गुरुमुख कीजिए, तब हम चेला बनेंगे, न तो परमाचे साधु हम नहीं बनेंगे। कठिन कठिन घुनघुनाला बुला कुरकुरमाची घर। अरे मैं तुझे सब विद्या दूंगा, तुझे गुरुमुख भी कर दूंगा। गुरुमुख कर दो देखते रहो। अरे हम साधु महात्मा